तब ये सब क्वालिटीहीन हो गए, क्या बात हुई उस पर। तो हमने उनको, मुख्यमंत्री जी को हमने सारे तर्क दिए, हमने कहा कि देखिए जो पहली क्लास से पांचवी क्लास तक के शिक्षक हैं, जो दशकों से पढ़ा रहे हैं, उनसे अचानक से आप बीपीएससी की परीक्षा ले गए तो संभव है कि कई ऐसे शिक्षक जो अपने विषय में दक्ष हो, बढ़िया पढ़ा रहे हो, लेकिन वो एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वहां से वो पास नहीं हो पाएंगे, तो उनको तो अपमान महसूस होगा। क्या कुछ भरोसा मिला? हमने तो कहा सारी बात है, मुख्यमंत्री महोदय फिलहाल तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के मामले पे हमें लगता है कि थोड़ा सा रिजिड है। उन्होंने हमें कहा है कि और कुछ सुझाव आपको देना है इस पूरे मामले को लेकर के, किस तरह की परीक्षा हो, उसमें क्या क्या प्रावधान किया जाए, चूंकि उसकी प्रक्रिया चल रही है। सुझाव आपसे मांगे गए हैं या फिर अभ्यर्थियों और टीचर्स? नहीं, उन्होंने हम ही से कहा कि आपको कुछ इसमें इनपुट देना है तो वो दीजिए, हम लोग के काम का आएगा। हमने उनको देखिए ये भी कहा है कि क्वालिटी एजुकेशन का जो कंसर्न सरकार दिखा रही है, कि मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि जो शिक्षक हैं वो बढ़िया से पढ़ा नहीं रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन बिहार में नहीं हो रहा है। हमने क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बहुत 5 पॉइंट हमने लिखे उनको दिया है। सीएम क्या लग रहा है कि आपने जो प्रस्ताव दिया है उस पर तैयार है कि नहीं? क्या नियोजित टीचर से नाराज है? देखिए हमारा जो मेन कंसर्न था कि नियोजित शिक्षकों को बगैर कोई शर्त सरकार जो है वो राज्यकर्मी के रूप में मान ले। अब बगैर कोई शर्त जो हमने कहा, इसका मतलब कि परीक्षा लिए बगैर सरकार उनको दे। केरला और दिल्ली का जो मॉडल है उसको बिहार में लागू किया जाए। उन दोनों राज्यों में क्या हुआ कि वहां की सरकार में जितने भी शिक्षक थे जिनको परमानेंट नियुक्ति जिनकी नहीं थी, उनको सरकार ने रिगरस ट्रेनिंग दिया, उनका एक डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया, उनको राज्य करने से बचा दिया। लेकिन लग रहा है कि दाल नहीं गली। नहीं, दाल गलाने की बात तो क्या है कि संघर्ष तो चलेगा। हमने अपनी बात कह दी, सारे तर्क हमने कह दिए हैं, और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कराने के लिए जो जो बातें चली, जैसे उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने कही है, सरकार का कहना था कि जब भी कोई जांच होता है तो बहुत निगेटिव फीडबैक हम लोग को मिलता है। हमने कहा जितने भी जांच होते हैं बिहार के भीतर स्कूलों का, हम लोग खुद ही जब कंप्लेन लिख के देते हैं तो बीओ और डीओ और जीपीओ वगैरह जितने बड़े अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो लोग जाते हैं पैसा लेकर के आ जाते हैं। आपने ये कहा? हमने ये कहा उनको ये बात, तो उन्होंने कहा हमारे पास कम से ये बताइए बात हुई आपको क्या लग रहा है कि सीएम के मूड को देखकर क्या लग रहा है? जवाब अगर दिए तो अब क्या लग रहा है कि जो नियोजित टीचर है उनको परीक्षा देनी होगी? देखिए सरकार तो अड़ी हुई है अभी फिलहाल। अच्छा, सरकार नहीं मानी। और दूसरा ये बताइए कि जो सीटेट वीटेट टेस्ट पास है छठे चरण की तर्ज पर, ये भी चाह रहे हैं कि हम बाहर हो जाए फिर सरकार जो है बीपीएससी से परीक्षा ले, इस पर बात हुई? हमने ये भी कहा, हमने उनको उनके सामने हमने पॉइंट रखा कि स्टेट 19 की जो परीक्षा हुई थी, इसी परीक्षा में जो शारीरिक शिक्षक लोग थे, शारीरिक शिक्षा एक विषय है, उसमें जो उत्तीर्ण लोग थे वो लोग तो नौकरी कर रहे हैं, तो एक ही परीक्षा थी स्टेट 19 की, उसमें एक विषय को आपने तो नौकरी दे दिया पहले ही सेम विज्ञापन पे, और दूसरे में आप लोग कंडीशन लगा रहे हैं। और बिहार में इतने मल्टी लेयर्ड आप बना देंगे स्कूलों को, तो वहां का डेमोक्रेसी क्या क्या माना जाए? आपकी मुलाकात हुई, जो बातें हुई, इससे क्या माना जाए कि जो नियोजित टीचर हैं उनको परीक्षा देनी होगी, जो अभ्यर्थी है उनको परीक्षा देनी होगी, कुल मिलाकर बीपीएससी परीक्षा लेगा? देखिए मैंने तो अपनी पूरी बात कह दी, और मेरे ख्याल से कई सारे पॉइंट्स मैंने उनके सामने रखे जो सरकार के निगाह में शायद पहले से नहीं था, तो वो तो सुन रहे।